नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। ये पौधा यदि आपके दरवाजे पर लगा हुआ है, लोग आपको सलाम मारेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी घर का मुखिया है उसके तो क्या कहने हैं, जहाँ भी पांव रख दे लोग सलाम मारेंगे, लोग प्रणाम करेंगे। इसके सिवाय पूरे घर का मान सम्मान बढ़ेगा। आप देखना कितने ही ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, उसके बदले में कितने ही ऐसे परिवार हैं जो कोशिश करते हैं बहुत अच्छे कर्म करें, लेकिन फिर भी उन्हें वो प्लेस नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं। कहीं हमारे घर में कोई ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को हर्ट कर रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे घर में लगे हुए होते हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, हमें हमारी हर अच्छाई को 100 गुना ज़्यादा करके लोगों के सामने रखते हैं, बिल्कुल उल्टा हमारी बुराइयों को 100 गुना ज़्यादा करके रखते हैं। जो बुरे पेड़ पौधे, जैसे कोई कांटेदार पेड़ पौधा है घर में, हमेशा आप देखना जिसके दरवाजे पर कांटेदार पेड़ पौधा लगा है उसका व्यक्तित्व कम आका जाएगा, उसका मान सम्मान नहीं रहेगा। जगह जगह जैसे कहीं पुलिस केस में फंस जाना, कहीं कुछ भी अघटित घटनाओं में फंस जाना, कहीं गुंडे मवालियों के बीच में फंस जाना, मतलब आ बेल मुझे मार वाली कंडीशन में वो परिवार हमेशा रहता है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट ठीक नहीं हुआ था, उसके पहले कहीं कोई बीमार पड़ गया। तो जो पेड़ पौधे हैं जो हमारे घर में होते हैं दोस्तों, ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, अच्छाई की दृष्टि से भी, बुराई की दृष्टि से भी। हमारे घर में लगे पेड़ पौधे हमारे घर का ही एक सभ्य हो जाते हैं, और जो उनकी जो ऊर्जा है वो आपको बहुत कुछ दे जाती है। तो ये जो पौधा है ये आप अवश्य लगाएं। वैसे तो दोस्तों, इस पौधे को आप पुष्य नक्षत्र में लाते हैं या रवि पुष्य नक्षत्र में लाते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अन्यथा आप इस पौधे को सोमवार के दिन लाएं, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन लेकर के आएँ। आपके परिवार में 4 चांद लग जाएंगे। इसका जो पुष्प है वो भी माता रानी को अर्पित किया जाता है और सारे ही भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ये दोस्तों पौधा है सुदर्शन का पौधा। आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूमों के बाहर ज़्यादातर ये पौधे लगाए जाते हैं, लाइन से सुदर्शन के पौधे लगाए जाते हैं। बैंक है, बैंक के आगे भी आप देखना ज़्यादातर इसकी, मतलब लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं हरे रंग की, और इसका फूल वाइट रंग का बिल्कुल बीच से ऊँग करके आता है। पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, आप इसको गमले में लगा सकते हैं। आप अपने दरवाजे पर जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर आप इसको लगा दें, राइट हैंड साइड पर, और रोज़ आप इसको जल दें, इसमें गंदा पानी ना डालें, और आप इस पर एक अगरबत्ती लगाते रहें। दोस्तों मैं आपको लिख करके देती हूँ, जब तक ये पौधा आपके घर में लगा रहेगा शत्रु आपसे दबे रहेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ता ही रहेगा, धन दौलत से आपकी तिजोरी भरी रहेगी। और सेम इसका रिजल्ट मिलता है यदि आप इसकी जड़ ले आए, जड़ ला करके उसको धो करके स्वच्छ कर ले और अपने राइट हैंड में आप उसको बांध ले, लाल कपड़े में रैप करके आप उसको राइट हैंड में बांध ले। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्र से आप इसको अभिमंत्रित कर लें, 108 बार वो मंत्र बोले, पूजा स्थान में रख करके जड़ को, उस पर तमाम पूजा पाठ की चीज़ें जैसे हल्दी, कुमकुम, चावल वगैरह चढ़ा दें, घी का दीपक लगा दें, और उस जड़ को आप करंट कर लें, और उसके बाद आप उसे धारण कर लें बस। लेकिन यदि आप पहनोगे तो वो आप पर ही इफ़ेक्ट करेगी, और यदि इस पौधे को घर में लगा लेते हो तो पूरे घर पर इसका असर दिखाई देगा। और ये पौधा बहुत आसानी से नर्सरी में मिल जाता है, इसको ज़रूर लाएँ और ला करके घर में लगा लें और देखें इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।